चोर समझ करके युवक की पिटाई। हरियाणा के हसनपुर का रहने वाला सोनू नाम का युवक रिफाइनरी थाना स्थित किसी कोचिंग में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। गुरुवार की देर रात दोस्त से मिलने के लिए मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के बालाजीपुरम कॉलोनी में पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद सोनू अपने दोस्त के घर का रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह पास में ही खड़ी एक बाइक पर जाकर बैठ गया। पास के ही घर में किसी काम से लक्ष्मी नाम की एक महिला निकली और सोनू को चोर समझ कर लक्ष्मी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सोनू की जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का जायजा लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। मेरी बाइक खड़ी यहाँ, ठीक है, मेरा छोटा बच्चा था, उसका तो नौकरी रहा था, उस गाड़ी को इन्होंने वो गाड़ी पकड़ी, मेरे बच्चा उठाया, बच्चा उठाने का प्रयास किया, ठीक है, इन्हें बच्चा उठाया, ठीक है, तो मेरे घर का बच्चा उठाया, तो बच्चा उठाया, मैं आई, मैं जिंदा किल्ला आई हूँ, मैंने कहा चोर 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 चोर, और जाके मैं भजे, क्यों भाग भजे गए, क्या लग रहा है इसने जो बच्चा उठाने का भी, बच्चा उठाने का प्रयास किया क्या? किशोरी को उठाकर ले गए ऑटो सवार बदमाश। परिवार सोता रहा और ऑटो सवार तीन बदमाश 17 वर्षीय किशोरी को घर से उठाकर ले गए। परिजनों को जब तक किशोरी के अपहरण होने का पता लगता, ऑटो सवार बदमाश फरार हो चुके थे। इस मामले में पुलिस को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पानी पानी क्यों मांग रही है? बेटी क्यों सो रही थी अंदर कमरे में? फिर क्या हुआ? दादी के पास। अच्छा, तो वहाँ पे जब एकदम पत्नी उठी तो बाद वो टेम्पू दिखा, वह गेट भर के टेम्पू में डाल रहे थे लड़की को। लड़की की चीखी? लड़की लड़की की आवाज निकली थी धीरे धीरे, तभी उठी थी, तभी तक उठ गई थी पत्नी, पत्नी ने मुझे उठाया। कौन ले गया? ऑटो में डाल के? ऑटो में डाल के। कहाँ ले गए? इधर ले गए सीओडी की तरफ। आपने पीछा नहीं किया? हाँ, मैंने पीछा किया था, मगर मैं दूर रह गया, वहाँ पहुँचा था तो फाटक, कुछ लोग फाटक क्रॉस कर चुके थे। कितने लोग होंगे? एक आदमी ने चेक नंबर का उसको टंपू में डाला है, लड़की ने एकदम चीख नहीं दूंगा, ओ मम्मी मेरे यार भैया में लड़की को ले गया, जल्दी जल्दी मैंने अपने बच्चे उठाया, अपना आदमी उठाया, मैंने कच्चा बनाल में मेरे सब मेंबर भागे, लड़की को देखते ही देखते कपड़ा व्यापारी से किया गया 25 लाख का फर्जीवाड़ा। आगरा में दीपक गारमेंट्स ने दिल्ली के कपड़ा व्यापारी से 25 लाख का फर्जीवाड़ा किया। ताजनगरी फेस वन में बीजेपी महिला नेत्री के यहां किराए पर आरोपी रहता है। दिल्ली व्यापारी ने थाना एमएम गेट में तहरीर दी है। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कमरे से लगभग 4 लाख रुपए का माल बरामद कर करीब 4 लाख रुपए का माल बरामद किया है। महिला नेत्री के यहां किराए पर रह रहे आरोपी के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया। कैंटर में लगी अचानक आग। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन पर नोएडा से आगरा की तरफ जा रही एक कैंटर में अचानक आग लग गई। कैंटर में लगी आग को देख कैंटर चालक ने कैंटर साइड में लिया और देखते ही देखते कैंटर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना दमकल को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैंटर में लगी आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बस में घुसी स्कॉर्पियो, कई लोग घायल। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे माइलस्टोन संख्या 80 रायाकट के समीप स्कॉर्पियो कार बस में जा घुसी। स्कॉर्पियो कार में सवार जम्मू कश्मीर के रहने वाले सक्षम गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, आकाश गुप्ता, संजय गुप्ता और बस में सवार गौरा भाई, कृष्णा भाई पटेल घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो और बस सवार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मोबाइल है।